हेलो फ्रेंड, आज की रेसिपी है बंगाल की। मैं बिहार से हूँ और मेरे फ्रेंड जो है वो बंगाल से है। ये रेसिपी उन्होंने मुझे बताया है तो आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सीताफल, आलू और पोहर साग ले लेना है। पोहर साग के जो पत्ते होते हैं इस तरह से तोड़ लेना है। इसके डंठल को भी फेंकना नहीं, इसे भी कट करके ले लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सारी चीज़ को कट करके ले लिया। इसको अच्छे से पानी से साफ़ करके ले लिया है। अब यहाँ पर तड़के के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर तड़के के लिए हमने ले लिया है तेज़पत्ता, लाल मिर्ची, 5 फ़ोरन। अब गैस पर रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने दिया है। ये अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें सरसों का तेल डाल देना है। तेल को भी अच्छे से गर्म होने देना है। अब ये अच्छे से तेल गर्म हो गया है तो इसमें तेज़पत्ता, लाल मिर्ची, वही 5 फ़ोरन को डाल के इसको पहले अच्छे से पकने देना है। ये अच्छे से पक गया है और ये देख सकते हैं इसमें अच्छे से खुशबू भी आने लगे है। तो एक प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, इसको भी इसमें डाल दिया है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेना है। अब ये 1 मिनट हो गया है तो साथ ही आलू डाल देना है। आलू को इसके साथ पहले अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। आलू के 2 से 4 मिनट तक पहले फ्राई होने देना है। इसके साथ ये आलू 2 से 4 मिनट हो गया है और ये देख सकते हैं ये फ्राई हो गया है थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हमने सीताफल को भी डाल देना है। सीताफल को भी इसी तरह से 2 से 4 मिनट पहले इसके साथ फ्राई कर लेना है। तो पहले इस तरह से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से चलाते हुए इसे फ्राई कर लेना है। अब ये 2 से 4 मिनट सीताफल को भी हो गया है। इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट हम डाल देंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। इस तरह से चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे 1 से 2 मिनट तक लहसुन अदरक इसी तरह से पकने देंगे ताकि इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब ये 1 से 2 मिनट ये हो गया है तो इसमें एक बारीक कटे हुए टमाटर को भी डाल देना है। इसको भी इसके साथ अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। तो हमने इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। साथ ही मसाला डाल देंगे सारे। तो यहाँ पर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिए है। अब ये मसाला डाल के इसको अच्छे से पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है और गैस को कम कर लेना है, यानी कि कम आंच पर इसको पकाना है। साथ ही हमने जो पोहर साग के डंठल थे वो डाल देने हैं और इसके साथ ही जो हमने इसके पत्ते को कट कर लिया था उसको भी इसमें डाल देना है। तो इस तरह से इसमें डाल दिए है। अब पहले इसको अच्छे से इस सब्जी के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये जैसे जैसे पकेंगे वैसे वैसे कम हो जाएंगे। इसी तरह से इसको चलाते हुए पहले मिक्स कर लेना है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। इसको भी अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप गैस को कम करके और इसे ढक देंगे तो खुद ही इसे पानी छोड़ देता है। इसमें थोड़ा सा हमने चीनी डाला है, बहुत ही कम चीनी इसमें हमने थोड़ा सा डाला है और इसे भी इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसे हम गैस को कम करके इसे ढक देंगे। अब कम आंच पर इसे हम पकाएंगे तो ये खुद ही पानी छोड़ देगा। अब ये देख सकते हैं इसका ढक्कन हटा के हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें पानी खुद ही छोड़ दिया है और इस तरह से हमने फिर से चला लेने हैं और इसे हम चेक करके भी देखते हैं जो ये सब्ज़ी पके हैं या नहीं। तो पहले इस तरह से ले लेंगे और इसको चम्मच की मदद से इसको इस तरह से दबा के देखेंगे तो ये अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं। तो इसमें हमने आधी चम्मच करीब गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। एक बार ये सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप दाल चावल के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे को हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर गैस को बंद कर देना है। ये सब्ज़ी बन के तैयार है। तो ये लीजिए, बंगाली स्टाइल रेसिपी बन के तैयार है। अब इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यारे से कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए